धन्यवाद। माननीय प्रोफेसर मनोज कुमार झा, माननीय माननीय उपसभापति महोदय, मैं आज उत्तर पूर्वांचल डोनार मिनिस्ट्री ऊपर मंतव्य राखिब विचारिशु। उच्चारण की गलती के लिए माफी मांगता हूँ। कोशिश की थी कि उच्चारण सही होना चाहिए। माननीय उपसभापति महोदय, आज जब इस पूरी परिचर्चा में, इस विवेचना में, इस विमर्श में शामिल था, तो भुवनेश्वर दा और रिपुन दा के बीच के कुछ वार्तालाप, तंजिया माहौल को भी देखा। रिपुन दा ने कहा कि लुक ईस्ट, भुवनेश्वर दा ने कहा एक्ट ईस्ट, और दोनों एक दूसरे को कह रहे थे। मेरा अपना एक सामान्य ज्ञान की तरह सोचा, इफ वी लुक ईस्ट एंड डोंट एक्ट, एंड इफ वी एक्ट विदाउट लुकिंग एट इट, तो अब एक्ट करें बिना कहे तो अंधे कुएं में भी गिर सकते हैं। उसी तरह लुक ईस्ट करते रहे, सिर्फ लुक ही लुक रहे, तो वो नहीं। तो एक समन्वय दोनों का होना चाहिए, जैसे रिपुन दा और भुवनेश्वर दा का समन्वय होना चाहिए। ये मैं सर, दूसरी चीज अपनी चिंता व्यक्त करने से पहले, आज जब इस पर चर्चा हो रही थी, अक्सर क्या होता है कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं ना सर, सदन बदल जाता है थोड़ा। अचानक में सत्ता पक्ष को लगता है कि आप सलाह भी नहीं लेनी चाहिए, और सलाह को आलोचना के दृष्टिकोण से। मेरी समझ में ये कभी नहीं आया सर कि राजभाषा विभाग को एमएचए में क्यों होना चाहिए और डोनर को एमएचए में क्यों होना चाहिए। अरे राजभाषा एमएचए के बारे में धारणा हम लोगों की है लॉ एंड ऑर्डर का, अब हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए लॉ एंड ऑर्डर के मैकेनिज्म की क्या जरूरत है। ये मतलब मेरी चिंता आज से नहीं है सर, कई वर्षों से मैं सोच रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो नई चीजें क्रिएट होती है एमएचए में चली जाती हैं। सो आई एम रिमाइंडेड एज ए स्टूडेंट, हम पढ़ते थे कि एक बहुत डिबेट चला था नेहरू जी के टाइम में, और नेहरू जी ने, क्योंकि प्रिडोमिनेटली ट्राइबल पॉपुलेशन है सर जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं, नेहरू जी ने ट्राइबल अप्रोच ऑफ पंचशील कहा था सर। उसमें एक बहुत बड़ी चीज थी ना कि इंट्रूजन और इंक्लूजन का फर्क। हम जिस नीति और नियत के साथ चलते हैं वो इंट्रूजन में तब्दील हो रहा है क्या, या इंक्लूजन के मकाम को हासिल कर रहा है। ये सिर्फ इसी सरकार नहीं, तमाम सरकारों को नॉर्थ ईस्ट के जरिए के बारे में सोचने से पहले सर, क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि पेरिफेरल स्टेट्स जो हैं, जो बॉर्डरिंग स्टेट हैं, चाहे कश्मीर हो या इधर अपना पूरा का पूरा उत्तर पूर्व का अंचल हो, इसको हमें सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से नहीं देखना होगा। ये राज्य अद्भुत राज्य हैं सर, ये हिंदुस्तान की बहुलता को प्रदर्शित करते हैं और उस बहुलता का एक आयाम पेश करते हैं। अक्सर मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं माननीय उपसभापति महोदय, मैं जब एमए की क्लास लिया करता था, लिया करता हूं अभी भी, तो मैं अक्सर पूछा करता था स्टूडेंट से कि यूपी का सीएम कौन है, तब से जवाब आ जाएगा। बिहार पूछूं, मेरे सवाल पूछने से पहले जवाब आ जाएगा। मैं पूछ दूं कि मणिपुर का सीएम कौन है, जुबान पे ताले लग जाते थे। नागालैंड के सीएम कौन है, क्योंकि हमारे काउ बेल्ट के विमर्श का वह हिस्सा ही नहीं है। हम नॉर्थ ईस्ट को एक दूरी से देखते हैं सर, एक एंटिटी है नॉर्थ ईस्ट। और इसी सदन में मैंने कहा था सर कि जब तक उत्तर पूर्व हो या कश्मीर हो, हम इसे महज जमीन का टुकड़ा समझेंगे ना, कभी भी हम सेंस ऑफ एलिनेशन खत्म नहीं कर पाएंगे। और सेंस ऑफ एलिनेशन है माननीय उपसभापति महोदय, बस एक दो मिनट लूंगा उपसभापति, सेंस ऑफ एलिनेशन है। यूं ही दो राज्यों के सरहद पर गोलियां नहीं चल जाया करती हैं, यूं ही आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लेकर के इन तमाम राज्यों में चिंता है। मुझे कल ही कई इनविटेशन आए हैं नागालैंड से, लोग वो चिंता, ये कॉ बेल्ट की चिंता नहीं है, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार की चिंता नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान तो सर हम चार राज्यों से ऊपर है ना, उससे बड़ा है, वृहद है। या सिर्फ विमर्श के दिन की डोनर पे बात हो रही है तो हम कहेंगे कि उत्तर पूर्व के बारे में ये हमारा दृष्टिकोण है। सर
माननीय उपसभापति महोदय, अभी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय उत्तर पूर्व के विजिट से लौट के आए। उन्होंने कहा कि लोग और सरकार को उत्तर पूर्व के प्रति नजरिया बदलना होगा, और मैं इत्तफाक रखता हूं कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने जो सबसे संवेदनशील मुद्दा है उसको पकड़ा। एटीट्यूड क्या है सर? अभी भी मैं बता सकता हूं कि जब इस पर चर्चा के लिए समय निर्धारित हुआ, कई लोग कह रहे थे कि इतना वक्त क्यों है, इसमें 4 घंटे क्यों दिए गए। नाम नहीं बताऊंगा सदस्य का, लेकिन इससे हमारी प्राथमिकताएं जाहिर होती है कि हम कहते हैं अनेकता का एकता देश है, गिना रहे हैं अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, लेकिन हमारे अपने केंद्रीय विमर्श में, सेंट्रल रोस्ट्रम में वो चिंताएं एब्सेंट है। सर, ये जो पेरिफेरल पॉलिटिक्स को देखने का नजरिया है, पेरिफेरल एरियाज में पॉलिटिकल नजरिए से, और अक्सर हमारा इंटरवेंशन जो होता है लोडेड विथ लॉ एंड ऑर्डर, आई थिंक दैट शुड बी जेटिसन। एक और चीज कह करके बात खत्म करूंगा, वो ये कि सर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो मैं गवर्नमेंट की अपनी ही रिपोर्ट से कह रहा हूं, लार्ज नंबर ऑफ देम आर पेंडिंग। आप एक्ट ईस्ट करें या लुक ईस्ट करें, अगर इतने सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं और अगर मैं उसको प्रोपोर्शन में देखूं तो काउ बेल्ट में उतने प्रोपोर्शन में पेंडिंग प्रोजेक्ट्स नहीं है जितने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। तो एक सौतेलेपन का एहसास सर होता है उनको, और वो बेमानी नहीं है। सर, इन प्रोजेक्ट्स में एक और चिंता होती है डिस्प्लेसमेंट की, और चूंकि मैंने पहले कहा सर कि एक लार्ज चंक प्रोपोर्शन ट्राइबल पॉपुलेशन का है, और चूंकि वो पॉपुलेशन है तो उसको समझने का हमारी नीति अलग होनी चाहिए कि हम कैसे उनके साथ एंगेज करते हैं। और मैं वापस ले जाऊंगा कि नेहरू का जो पंचशील का अप्रोच था विज़ेवी ट्राइबल डेवलपमेंट, उसको आप रिलोकेट कीजिए आज के संदर्भ में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब नेहरू से आपका वैचारिक विरोध हो सकता है, लेकिन नेहरू की बहुत सारे आइडियाज लिए जा सकते हैं। नेहरू कांग्रेस के तो सिर्फ थे नहीं, मैं तो कॉपीराइट ही नहीं मानता हूं किसी का नेहरू पर या गांधी पे या अंबेडकर पे, वो देश के थे। और चूंकि कॉपीराइट कांग्रेस का नहीं है तो आपको भी इस बात में बिल्कुल हिचक नहीं होनी चाहिए उनके इस तरह के आइडियाज को। जैसे नेहरू के बगैर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की कल्पना आप नहीं कर सकते, उसी तरह ट्राइबल डेवलपमेंट को लेकर के। बस एक मिनट। अच्छा सर, एक देखो, मैं सरकार का ही एक रिपोर्ट है, अगर मैं ट्राइबल पॉपुलेशन के उस रीजन में अगर रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक रिपोर्ट देखूं तो वो भी चिंता का विषय है सर। एक्सेस टू डॉक्टर्स, मेडिकल फैसिलिटीज, और उसमें सिर्फ मसला ये नहीं है हिली टेरेन है वगैरह, क्योंकि कई अगर मैं उत्तराखंड से कंपेयर करता हूं तो मुझे लगता है कि वहां अभी भी। और आखिरी चीज सर, इवन विद द रिड्यूस्ड, जो कि मेरे लिए चिंता हुई थी, जो कमेटी सरकारी हमारी थी, उस कमेटी ने कहा कि मिनिस्ट्री फेल टू यूटिलाइज इवन द रिड्यूस्ड फंड्स इन द ईयर 1920-2021। नाउ सर, दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पॉइंट ऑन दिस। एज अ मेंबर ऑफ दिस हाउस, आई थिंक इलेक्शन रिजल्ट्स, देयर शुड बी अ कनेक्शन बिटवीन गवर्नेंस एंड आर कमिटमेंट इन द हाउस। अक्सर क्या होता है कि जब मुद्दों को ट्रैक्शन इलेक्शन में नहीं मिलता है तो यू टेक इलेक्शन आउटकम एज ए गारंटी दैट आप कुछ ना भी करें तो माहौल आपके पक्ष में है। सर, लोग जो है ना, खास करके उत्तर पूर्व के लोग, वो बहुत चिंता से देख रहे हैं। और मैं आखिरी में कहूंगा, सिंटा कोरिबा नाई, जय हिंद। धन्यवाद। माननीय अजीत कुमार भुइया, प्लीज।